पाकिस्तान वर्सेज नीदरलैंड का टॉस हुआ और टॉस जीतकर नीदरलैंड ने बाबर आजम को सिक्का देने का फैसला किया। खैर, पहले बैटिंग करने आई पाकिस्तानी टीम की शुरुआत मेरी उम्मीदों के हिसाब से हुई, जब पाकिस्तानी टीम के 38 रन पर 3 विकेट गिर गए और गरीबों का विराट कोहली यानी कि बाबर आजम नीदरलैंड जैसी टीम के सामने भी 5 रन पे आउट हो गया। अब इसको रोस्ट तो अगली वीडियो में करूंगा, फिलहाल मैच की बात करता हूं। और बाबर आजम के बाद बैटिंग करने आई साउथ शकील और मेरी नजरों में पाकिस्तान के सबसे टैलेंटेड खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान को 158 रनों तक पहुँचा दिया। लेकिन साउथ शकील का विकेट गिरते ही पाकिस्तानी टीम भी 266 रन पे ऑल आउट हो गई। लेकिन पाकिस्तानियों के हालात और जज्बात ये थे कि नीदरलैंड ने भी इनके बेस्ट बॉलिंग अटैक की गौ से धोती फाड़ दी। अब धोती तो मैंने कहा है, बाकी आप खुद ही समझ जाओ। भले ही नीदरलैंड ये मुकाबला हार गई, लेकिन आखिरी विकेट तक ये टीम लड़ती रही और मीकरन ने भी जाते जाते हैरिस राउफ को प्यार भरे 2 शब्द कह डाले।